दरभंगा जिला के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के बघनट्टा गांव में 14 जुलाई के देर रात या लगभग 11:30 बजे जो दर्दनाक घटना हुआ, उस घटना के बाद तमाम लोग का अलग अलग प्रतिक्रिया आने लगता है। एक तरफ मुकेश सहनी के पिता जितेंद्र सहनी हत्याकांड में देश के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया वहां खड़ी है और पल पल का अपडेट दे रहा है, पल पल की खबरें बताया जा रहा है, क्योंकि जितेंद्र सहनी हत्याकांड मामले में अब भी कई मुजरिमों तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन दूसरी तरफ उससे बड़ा हादसा हुआ, उससे बड़ा घटना हुआ जहां किसी की नज़र नहीं है, ना तो किसी मीडिया वहां तक पहुंच पाई है, ना ही कोई लोग, कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि, ना ही कोई बड़े नेता पहुंच पाए। हम उसी इंजमामुल हक जिनकी मौत हुई आई है, मोहम्मद दिलशाद नाम है, उनसे जानकारी लेंगे। कल कुछ पुलिस आई थी, घटनास्थल का जाँच किया है, अनुसंधान चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर हैं वो इसमें जाँच कर रहे हैं, 2 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया है। लेकिन जो मामला हुआ है और कहीं ना कहीं जो खेत में, पहले तो ये मामला आ रहा था कि दुर्घटना हुआ है, तो दुर्घटना रोड पर था तब तक दुर्घटना वाला मामला था, लेकिन कल जिस तरह से घास काटने वाली खेत जाती है और वहाँ से जो मामला निकल कर आता है कि अब खेत में भी खून का धब्बा मिला है, क्या कुछ कहना है और क्या लग रहा है इस मामले में? 14 तारीख की रात 11:30 बजे समथिंग, जाविर नाम का लड़का पिंटू इंजमामुल उर्फ पिंटू को आवाज़ दिए, बुलाए घर पर, और बाहर में असदुल्ला नाम का लड़का खड़ा था, बुलाकर बोले चलो दोस्त घूम के आते हैं, हवा तवा खा कर आते हैं। सामने में एक जनरल स्टोर है, वहाँ एक पानी का बोतल खरीदे, पानी का बोतल खरीदने के बाद पानी पीते हुए तीनों निकल गए सुपौल की ओर। बंगरट्टा से 10 कदम आगे एक नया निर्माण घर बन रहा है, साहू जी का हाथी के साहू जी है, वहाँ पर बैठे आपस में पहले हंसी मजाक किया, हंसी मजाक करने के बाद उन लड़का का वीडियो बनाया, वीडियो बना के रख लिया। वीडियो बनाने के बाद रखने के बाद समथिंग 12:30 बजे कुछ 12:30 बजे कुछ ग्रामीण तत्वों के द्वारा शोर शराबा हुआ, जो पिंटू को मार दिया, पिंटू को मार दिया, इंजमान पिंटू को मार दिया। मालूम हम लोग आपस में अफरा तफरी में बाहर निकले, दौड़े, देखे भाई क्या बात है, पिंटू को मार दिया। हम लोग स्थल की तरफ दौड़ते हुए आए, स्थल की तरफ दौड़ते हुए आए तो देखे कि पिंटू को जाबिर गाड़ी पर रखे हुआ है और बुरी तरीका दिन में, और चांद जो था गाड़ी जिसका, वो चांद भाग गया, जाबिर भी छोड़ के भाग गया। जब बच्चा को जख्मी हालत में देखे तो देखने के बाद ऐसा लगा, कहाँ दिखे उस बच्चे? हम बच्चे को घटना स्थल के पास देखे, मतलब वहाँ से कोई गांव तक नहीं लाया? नहीं, दोनों घटना करने के बाद भाग गया। भागने के बाद जब बच्चा को घटना स्थल की तरफ देखे, जख्मी हालत में देखने के बाद रोड के किनारे पर था जी, गाड़ी पर से भाग छोड़ के, गाड़ी भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के फिर हादसा लगा। जब देखे, देखने के बाद जख्मी हालत में देखने के बाद बच्चा का गर्दन टूटा हुआ था, गर्दन लच इधर और जुबान काटा हुआ था, और क्या कहते हैं, कान काट दिया था, और पूरे ब्रेन को, जो ब्रेन फूटा हुआ कुछ नहीं था, ब्रेन एकदम काला स्याह हो गया तुरंत, क्विकली। अच्छा, क्विकली लग रहा था कि अंदर कुछ ऐसा चीज़ से, लाठी से या कुछ और से, धार हथियार से मारा गया, ऐसा करके उसमें मरमम से हत्या किया गया। उसके बाद हम लोग अफरा तफरी में लेके उसको ब्यूरोल PSC ले गए, ब्यूरो PSC में डॉक्टर ने कुछ देर के बाद रेफर कर दिया, बोला इसको ले जाइए, इसको जाने थोड़ा सा बाकी है। हम लोग तुरंत एम्बुलेंस मंगा, इंतजाम किया, एम्बुलेंस भी बहुत देरी से मिली इसलिए कि हड़ताल चल रहा था। एम्बुलेंस मिलने के बाद प्राइवेट एम्बुलेंस लिए, उसके बाद यहाँ से हम लोग दरभंगा आ गए। दरभंगा में आरबी मेमोरियल ले गए बच्चे को बेहतर इलाज के लिए, आरबी मेमोरियल 24 घंटा रखे, 24 घंटा रखने के बाद डॉक्टर वहाँ से रेफर कर दिया, बोला इसको ले जाइए DMCH ले गए। DMCH से 2 दिन उनका इलाज चला, तीसरे दिन 16 तारीख के 6:40 समथिंग बच्चे ने दम तोड़ दिया, मृत्यु बच्चे की हो गई। उसके बाद लास्ट पोस्टमार्टम के लिए गया, 17 तारीख को मुझे डेड बॉडी मिला। पोस्टमार्टम के बाद हमने बच्चे को डेड बॉडी लेके अपने घर आ गए। अब आप लोग का किस किस के ऊपर शक जा रहा है? आपने आवेदन दिया है, आपने जो बेटा ओपी में फर्द बयान दिया था, कहने के वो भी आप पुलिस के पास, स्थानीय पुलिस के पास फर्द बयान भी आ चुका है, FIR भी दर्ज हो चुका है, कान संख्या भी अंकित कर दिया है, और तमाम चीज़ें जो आप लोगों ने दिए हैं, जिन जिन लोगों का नाम दिया है, पुलिस उसको 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकी की तलाश भी कर रही है पुलिस, जल्द उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा पुलिस का दावा है। क्या आपको लग रहा है कि पुलिस किस तरह काम कर रही है, क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा, आप लोग क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हम तो सुशासन बाबू से यही मांग करते हैं, जहाँ हमें इंसाफ चाहिए, हमारे परिवार को इंसाफ चाहिए। हम लोग बहुत भयभीत में जी रहे हैं, अभी भी हम लोग के साथ भी कुछ हो सकता है, ऐसा भयभीत है। और पुलिस से जैसे बात हुई है, किन लोगों से डर लग रहा है आपको, किन लोगों से डर है? मुझे तो आप ग्रामीण में कुछ ऐसे तत्व लोगों से, जैसे अपराधी तथ्यों को लोग, अपराधी तथ्यों को लग रहा है, जो निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, अपने आप को हम लोग को भय ढुका हुआ अंदर में। और मैं पुलिस और कानून से मैं यही चाहता हूँ, जो हम लोग को इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दिला। यानी आप उस घटना के बाद आपके जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब डरे सहमे आपस में डरे सहमे रहते हैं, रात को नींद नहीं आती है,
रातों रात गुजर जाते, नींद में डरे, अंदर से दहशत फैला हुआ, अभी भी दहशत हटता नहीं है। पुलिस की ओर से क्या कुछ सुरक्षा प्रदान की जा रही है, क्या कुछ भरोसा है, उम्मीद है? सुरक्षा प्रदान की बात है तो नहीं, लेकिन पुलिस जो है आश्वासन देते हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, काम करेंगे, आप लोग को निष्पक्ष उम्मीद है पुलिस से, प्रशासन से उम्मीद है? प्रशासन से मुझे पूरी उम्मीद है, प्रशासन अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे और करना भी चाहिए, इंसाफ दिलावे, इंसाफ दिलाना भी चाहिए। यानी इस घटना में कहीं ना कहीं अगर स्थानीय पुलिस के द्वारा जो जांच की जा रही है, अगर इससे आप संतुष्ट नहीं हुए तो आप वरीय जो पदाधिकारी हैं उनसे जांच की मांग करेंगे, या कहीं ना कहीं उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए इस मामले में? हम तो उच्च, अगर पुलिस से वेरिफिकेशन में जांच हम लोग इंसाफ नहीं मिलता तो हम उच्च स्तरीय पदाधिकारी के पास जाएंगे, गुहार लगाएंगे, और उससे भी नहीं होगा तो हम जनता दरबार जाएंगे, जनता दरबार। लेकिन तमाम बातें हैं, जो जांच चल रहा है पुलिस की ओर से, जो अनुसंधान किया जा रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उसमें कई बातें निकल कर आ रही है, और अब तो एक और नई बात सामने आई। पहले तो अब तक वो जो दो लड़के को पकड़े थे वो अब तक इस घटना को दुर्घटना ही बता रहा था, लेकिन अब जो उसमें अभी देखिए अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि मुख्य आरोपी कौन है, कि कौन है जो इस घटना को अंजाम दिया है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, मुख्य आरोपी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। लेकिन जो दो लोगों को पुलिस पकड़ी है उनसे पूछताछ की जा रही है, वो दुर्घटना बता रहे थे, लेकिन कल जो पुलिस आई है घटनास्थल पर, इन्वेस्टिगेशन किए हैं, जो अनुसंधान चल रहा है उसमें और बात छनकर आने वाला है। पीड़ित परिवार अभी भी डरे सहमे हैं, वो कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं इस घटना से कि मेरे भाई के साथ हत्या हुआ है, हो सकता है कि जो आपराधिक परिवृत्ति के लोग हैं या जिन महसूस नहीं कर रहे हैं, नहीं सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, बहुत डरे समय है सबके साथ, पूरा परिवार डरे समय है। अच्छा, वो लोग क्या ताकतवर हैं, क्या क्या कुछ है? अब ताकतवर कैसे नहीं कहा जाएगा, अब उनके जिनको पकड़ा गया है उनके परिवार के कोई है यहाँ घर पर, वो भी फरार है? नहीं फरार है, सब फरार है जी। पुलिस उनकी भी तलाश की जा रही है? जी जी, पुलिस के द्वारा कहा गया था हम सबकी तलाश कर रहे हैं, सबकी गिरफ्तारी होगी, उच्च स्तरीय जांच करके हम सब निष्पक्ष जांच करेंगे। देखिए बिल्कुल, जब कानून व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ रूप से काम करेगी, ईमानदारी से काम करेगी, और बिल्कुल दृढ़ संकल्प जो पुलिस लेता है उस संकल्प के बतौर काम करेगी, तो निश्चित रूप से इस परिवार को इंसाफ मिलेगा, और तमाम जो दर्शक हमारे देखने वाले हैं अब दोस्त दोस्त का जान ले रहा है। ये बातें मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ कि रात को शाम के 6 बजे के बाद अपने बच्चे को कम से कम घर के अंदर रखें, रात में घर से बाहर ना जाने दें, इसका ख्याल रखें। दोस्त हो बनकर फोन किया, रात में 11 बजे कॉल करता है, और फिर उसी दोस्त के द्वारा बताया जाता है कि उसकी मौत हो गई। वही जानकारी देता है कि पिंटू का मौत हो गया, पिंटू को मार दिया। तो इसका मतलब क्या है कि अब दोस्त से डर लगने लगा है? बहुत, अब दोस्ती के लायक कहाँ रहा, दोस्त ने ही दुश्मन बन के हत्या कर देता है। हत्या अब सामने में देखे हुए मुकेश सहनी के यहाँ जो लोग आते थे जाते थे बैठते टूटते वही के द्वारा हत्या किया गया है। बिल्कुल, तब इससे अब क्या लगता है, बस 1 किलोमीटर की दूरी है अंतर बंगराटा और सुपौल में, लगातार क्या लग रहा है दिलशाद जी की अब दोस्त अगर रात को फोन करता है किसी भी लड़के को, किसी भी दोस्त को, तो क्या कहना चाहेंगे कि आप उनको घर से बाहर नहीं निकलना? नहीं, दोस्त अगर पड़ोसी भी रहे कोई भी रहे तो नहीं जाना, अपने अपने बच्चे को सेफ रखना, अपने बच्चे को 6 बजे शाम के बाद घर से निकलने नहीं देना। देखिए सतर्क रहना, सावधान रहना हमारी जरूरत है, और हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं तमाम लोगों को जो है अब ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, अपने बच्चे पर पूरी तरह से गाइड करना होगा। शाम 6 बजे के बाद, सूरज ढलने के बाद सूर्य उदय तक अपने बच्चे पर निगरानी देना होगा, वो कब जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किनसे बात कर रहा है, क्यों घर से बाहर निकल रहा है, ये तमाम चीज़ें हैं। अगर इस तरह आप ध्यान नहीं दिए तो आने वाले वक्त में, आने वाले समय में जो घटना इंजमामुल के साथ हुआ, ये घटना कहीं आपके परिवार के साथ, आपके बच्चे के साथ, आपके बेटे के साथ कहीं ये हादसा ना हो जाए, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है, और दोस्तों से थोड़ा बचने की जरूरत है, क्योंकि दोस्त से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता, ये कहावत मैंने सुना था, आज इसको हकीकत करके बंगट्टा गाँव के 4 नौजवानों ने करके दिखा दिया है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो कुछ निकल कर आएगा हम फिर आप लोगों के सामने आएंगे, लगातार इस पर खबर बनाए हुए हैं, और लगातार इस खबर को हम अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर को पूरा अंत तक देखने के लिए।